स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कितने समझदार हैं ये लोग, इनको तो सैल्यूट करना चाहिए। अभी भी वही गलती कर रहे हैं जो पहले की थी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इस वक्त मैं यहां झील का काम चल रहा है, तवी की बंद पे हूं। यहां झील बनाई जा रही है पिछले 10-12 सालों से, अभी तक बनी नहीं, वहां पे हूं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये जितना भी वेयर हाउस का, नेहरू मार्केट का, विक्रम चौक का, जितना भी पानी आता है, बारिश का या नालों का जितना भी पानी आता है, वो सभी पक्के नाले बने हुए हैं यहां से कोई 200 मीटर पीछे तक। उसके बाद ये पानी यहां आता है। इसके बाद आगे एक निकासी थी, एक ट्यूब थी, वो पानी सीधा तवी में चला जाता था। जब झील का काम लगा, उन समझदारों ने क्या किया, उन मोस्ट इंटेलिजेंट पर्संस ने क्या किया, उस ट्यूब को बंद कर दिया। ये बिना सोचे समझे कि बारिश होगी, जो पानी आता है ऑलरेडी, जो पक्के नाले पीछे तक बने हुए हैं, यहां से कोई 200-250-300 मीटर पीछे पक्के नाले बने हुए हैं, ये पानी जाएगा कहां। हम ये ट्यूब बंद कर रहे हैं जो तवी में ये पानी आकर मिल जाता था, बंद कर दिया। और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसमें चुप रहा, उनको भी समझ नहीं आई कि यह क्या हो रहा है, या फिर उन पर कोई प्रेशर था। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो नाला बारिश हुई कल की जो बारिश हुई, जो पानी पीछे से आया, आगे तो ट्यूब बंद कर दिया इन समझदार लोगों ने, तो सारा पानी जहां जमा होना शुरू हो गया। और पानी इतना हो गया, जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये किसी का घर है। अभी पानी थोड़ा डाउन हो गया, कल की बात है, ये डूब गई थी, ये दीवारें जो आप दिख रहे हैं, ये घर सब डूब गया इसमें, यहां लोग रहते हैं। और एक गाय थी यहां पे जो इस पानी में डूबने से मर गई, जिसको बाद में बड़ी मशीनों से बाहर निकाला गया। आप समझ रहे हैं इस बात को, इस बात को समझिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने हेलमेट नहीं पहनी, आपको 1,000 रुपए का चलान है, क्योंकि आपने गलती की है। गलती किसने की है? आम जनता ने। इन समझदारों से पूछे कोई, ये झील बनाने वालों से पूछे, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई पूछे, यहां तक पानी आता था, आगे एक ट्यूब थी, एक पाइप डाली हुई थी, सारा पानी तवी में जाता था। जब आपने वो पाइप बंद कर दी, सोचा क्या आपने, सल्यूट करने को मन करता है, 21 तोपों की सलामी देने को मन करता है आपको, तो इन लोगों को कितना चलान होना चाहिए। इनकी समझदारी पर कोई, मुझे लगता है किसी डॉक्टर को बिठाना चाहिए, इनका दिमागी टेस्ट करवाना चाहिए कि ये पानी जाएगा कहां। समझ रहे हैं आप इस बात को? पता नहीं, मैं आपको समझाने का बड़ा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, ये 2 जनरेटर यहां लगा दिए हैं, पंप यहां लगा दिए हैं, जो ये पानी निकालेंगे, और ये पाइप देखो तवी में फेंक रहे हैं। एक और बात आपको बताता हूं, जहां तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जहां इन झील बनाने वालों का भगवान से सीधा संपर्क हो गया है, उन्होंने कह दिया है कि आपके बाद बारिश नहीं करना, अभी आधे घंटे में फिर बारिश आ जाएगी, कल बारिश आ जाएगी, दोबारा यही नजारा होगा, कब तक ये पानी निकालते रहोगे, ये खाना पूर्ति किस लिए। अब सवाल है कि आपको करना क्या चाहिए था, आपको करना क्या चाहिए था। आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो गलती पहले की है दोहरा रहे हो। आपको यहां से एक निकासी निकालनी है, वो एक ट्यूब डालनी है, एक पाइप डालनी है, तो सीधा पानी तवी में चला जाए, वो नहीं कर रहे आप। अगर यहां झील बनने का काम चल रहा है, यहां पॉसिबल नहीं है, तो इसका एकमात्र हल यही है, इस पानी को यहां से निकालने के लिए रास्ता दिया जाए। ये कब तक करते रहोगे? या तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऊपर वाले के साथ कि बारिश मत देना अब। और जो वेयर हाउस का जितना पानी है, जो पक्के नाले बने हैं पीछे तक, उसका मुंह यहां तक मोड़ा गया है। अब सवाल यह है कि इन समझदारों को क्या कहूं। कुछ ऑफिसर आए हैं, शायद मैं इनसे बात कर सकूं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होंगे, शायद मैं इनसे कुछ बात कर सकूं, इनकी समझदारी को भी थोड़ा आजमा लें, ये क्या सोचते हैं इस बारे में। एक बार फिर बता दूं, इस वक्त मैं तवी बंद पे हूं। सर, आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हैं?
ये क्या चल रहा है प्रोग्राम? सर इसकी डीवाटरिंग कर रहे हैं हम। डी वाटर लॉगिंग हो गई है, कल बारिश बड़ी ज़्यादा हुई थी तो जीएमसी ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, कल यहाँ मैन मशीनरी लगवाई थी क्योंकि जम्मू में कल देखा आपने बड़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण हर जगह पानी चढ़ गया था। तो यहाँ पे सर जो पानी इकट्ठा हुआ है क्योंकि यहाँ ये काम चल रहा है सर, यहाँ थोड़ा सा काम पेंडिंग है तो उस वजह से थोड़ी सी वाटर लॉगिंग है, ये आज शाम तक रिमूव हो जाएगी सर। ये अजब झील का काम नहीं लगा था उससे पहले, ये पहले भी बारिशें होती थी, वाटर लॉगिंग नहीं होती थी, अब क्यों हो गई है? एक ट्यूब थी यहाँ से यहाँ जाती, बंद कर दी गई है? नहीं नहीं, बंद नहीं की गई सिर्फ ट्यूब। कल यहाँ काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, इंटेलेक्चुअल लोग आए थे, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हायर अथॉरिटीज़ आई थी। ट्यूब फर्स्ट क्लास चल रही है, आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है सर, आप देख लीजिए कहीं पे भी कोई नाला है कुछ है, सिल्ट के कारण कई बार ब्लॉकेज हो जाती है तो वो ट्यूब में सिल्ट है। हाँ बिल्कुल, तो वो साफ़ नहीं की गई सर, टाइम टू टाइम डेली साफ़ की जाती है। अब सर कहते हैं जैसे बारिश आई थोड़ा पाउंड टाइप है, अब जैसे ये वाटर डीलॉगिंग हो जाएगी साथ में उसको हम वो भी क्लियर कर देंगे सर, वो सिल्ट को साफ़ कर दिया जाएगा। ये पहले क्यों नहीं किया गया साहब? सर आपको मैं वीडियो भी भेजूंगा, जस्ट लास्ट वीक की सारी क्लीनिंग की गई है, लास्ट वीक की सारी क्लीनिंग की गई है और पूरा फ्लो भी चेक करवाऊंगा। कल लोगों ने प्रदर्शन किया, उन्होंने कुछ और कहा था। क्या कहा था सर? उन्होंने कहा था कि झील वालों ने वो जो ट्यूब है बंद कर दी है। सर देखिए वो ट्यूब में चेक कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्यूब चेक कर सकता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ वन शुड बी प्रैक्टिकल, मैं अभी बोलूँ कि रात है, अभी क्या है दिन है, तो आपको क्या करना है, आपने देखना है कि फैक्ट्स क्या है। सर यहाँ पे आप दिखाता हूँ मैं आपको सर, ये यहाँ पे ये देखिए सर, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें टाइम लगता है, कोई भी अच्छी चीज़ बनती है उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ शक्ति भी उठानी पड़ती है। अब रोड बनेगी, डाइवर्शन बनेगा, ठीक है ना, अब उस टाइम हमें प्रॉब्लम होगी कि डाइवर्शन से जाना यार प्रॉब्लम हो रही है, बट डेवलपमेंट के लिए एज हर सिटीजन को तैयार रहना चाहिए कि हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ेगा। ये ट्यूब चल रही है साहब? बिल्कुल चल रही है, आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, ट्यूब चल रही है, ट्यूब को कोई ब्लॉकेज नहीं है सर। हाँ। आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके, यहाँ से एक पाइप लगी हुई है। अगर इसके बाद ये आप ये साफ करने के बाद इसमें स्लिट को साफ कर देंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा स्लिट साफ हो जाएगी? बिल्कुल सर बिल्कुल, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पूरी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जितना इसमें बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं, हमारे पंप भी यहीं स्टेशन। कल कुछ नुकसान हुआ? हाँ जी कुछ नुकसान हुआ सर, यहाँ पे कुछ वो लोग रहते हैं यहाँ पे, उनके वो सामने वो देख सकते हैं आप, कोई लोग रहते हैं उनका कुछ नुकसान हुआ है। बिल्डिंग गिर सकती है पानी के साथ? कौन सी सर? सामने बिल्डिंग यहाँ पानी का चूहा है जी सर। नहीं नहीं सर इतना भी नहीं। आपको लगता है कि इतना कम्प्रोमाइज करना चाहिए कि जनता को, कि अपना जान भी चली जाए, कल एक गाय भी मर गई यहाँ पे, आपको लगता है कि इतना कम्प्रोमाइज करना चाहिए डेवलपमेंट के साथ, या कुछ गलतियाँ हुई हैं प्रशासन से यहाँ पे? सर देखिए गलती कोई नहीं हुई है, देखिए हमने डोर टू डोर ऑटोज प्रोवाइड किए हैं, सैनिटेशन के लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है सर। वो एक अलग इशू हुआ, आप उसको मिक्स मत कीजिए। मिक्स इसलिए कर रहा हूँ, आप देखिए सर, आप देखिए आप गार्बेज आप देखिए ना प्लीज एक बार उधर। ये कौन साफ करेगा, आम जनता साफ करेगी, म्यूनसिपलिटी साफ करेगी? सर किसकी गलती है गार्बेज? सर मैं ये कह रहा हूँ, जब तक हर सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, अगर हम गार्बेज ऐसी जगहों पे लोग देखते हैं जगह खाली है गार्बेज डाल दो, मतलब आप खुद देख लीजिए, अगर मतलब यहाँ के जो आसपास लोग हैं वो भी थोड़ा कॉपरेट करें, इसमें गंदगी ना डालें, ये साफ रहे। टोटल 10 घर हैं साहब, 10 घर हैं गिन के सर, पूरा एरिया है यहाँ। ये आगे तो कमर्शियल है सारा आपके सामने सर। देखिए मैं म्यूनसिपलिटी की गलती नहीं है, म्यूनसिपलिटी की क्या गलती है सर आप बताइए? नहीं है क्या गलती, क्या गलती आप बताइए? आपका नाम क्या सर? धर्मवीर सिंह। आप किस पोस्ट पे? मैं सीटीओ हूं सर। शुक्रिया धर्मवीर जी, आपने अपना पक्ष रखा, आपने कहा कि ये ट्यूब चल रही है उसके बावजूद भी स्लिट था इसलिए पानी नहीं निकल पाया। जी जी इसमें सिल्ट के कारण थोड़ी ब्लॉकेट हुई, ऐसे ट्यूब चल रही है आप चेक कर सकते हैं, ये नहीं है कि किसी ने बंद की है, बंद नहीं। आप सर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ट्यूब आपको बिल्कुल विजिबल है। आपको लगता है कि टाइम टू ये कि सर देखिए ये टाइम टू टाइम स्लिट निकालने के लिए लोगों को सामने आना पड़ेगा जब म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है काम सर, कल यहाँ रही होती तो ये नज़ारा नहीं होता सर। ये आप आंखों से देखकर एक बहुत बड़ा असत्य कह रहे हैं, अगर काम टाइम टू टाइम हुआ होता तो ये नज़ारा नहीं होता। मेरी बात सुनिए, ये एक इतना पोर्शन रह गया हुआ है कंप्लीशन के लिए इनका, क्यों रह गया? आपको लगता है कि अगर इसी किसी जान जा सकती है तो क्यों रह गया सर? हर अभी आप क्या करने जा रहे हो, छोड़ो जो हो गया आप क्या करने जा रहे हो? सर हमने यहाँ पंप्स लगाए हुए हैं, डी वाटरिंग हो जाएगी क्या रात को, फिर बारिश आ जाएगी, फिर हमारे पंप कंटिन्यू रहेंगे, काम करेंगे सर, साथ में हम ये भी जो नीचे ट्यूब है उसको भी थोड़ा। आज के 10 दिन की बात बात करते हैं, 15 दिन की बात बात करते हैं,
ये पंप लगाने की जरूरत ना पड़े, इतनी ट्यूब है वो काबिल है, इतनी ट्यूब काम कर सकती है, ये पंप ना लगाने पड़े वो स्विच खराब हो जाएगा, फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वो कोशिश है, देखिए वो कम से कम 20-25 साल पुरानी वो पाइप्स बड़ी हुई हैं, अब हर चीज़ की एक डेवलपमेंट करके चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं, जैसे रोड्स बड़ी होती हैं, यहाँ पे इन्होंने बड़ी ट्यूब डाली हुई है सर, अब उसको इन्होंने इधर कनेक्ट करना है इस पोर्शन के साथ, अभी कनेक्ट करना है जो मुझे अभी आप कह रहे हैं चल रही है, आप कह रहे हैं कनेक्ट करना है। सर मैं कह रहा हूँ जो नई ट्यूब पड़नी है जिससे ये वॉल्यूम को वो कैटर कर सके, जैसे सर कहीं एक रेजिडेंस बन रहा है, ये किसी का लैंड है, किसी का प्राइवेट लैंड है, मुझे उसका सर नॉलेज नहीं है, प्राइवेट ही लैंड है शायद सर, हमारा जीएमसी का नहीं है लैंड, जीएमसी का नहीं है, प्राइवेट ही है। तो इसको कोई मुआवजा देने जा रहे हो इस प्राइवेट लैंड वाले को आप लोग? सर वो मेरी आप लोगों की वो मेरी अथॉरिटी नहीं है सर, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। आपको लगता है देना चाहिए? ये क्यों बुकते, ये प्राइवेट लैंड वाला क्यों बुकते इसको? मुआवजे के लिए कह रहे हैं आप सर, वो तो सर हुआ इसका साहब, वो तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस देखते हैं सर जो भी मामला है। हमसे बात करने के लिए हालांकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी बात रखी लेकिन तथ्यों के आधार पर नहीं थी, तथ्यों के आधार पर नहीं थी। इस जो तस्वीरें आप यहां पे देख रहे हो, एक गाय की जान चली गई और ये लोग आज बेघर हैं, पता नहीं कहां पे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। हालांकि यहां के किया था कि वो ट्यूब जो है झील वालों ने बंद कर दी है, पता नहीं क्या सोचकर, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहता है कि वो ट्यूब थ्रू है और एक नई ट्यूब भी डाली जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नज़ारा दोबारा ना हो, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया गॉड से ऊपर वाले से फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दोबारा सामने ना आए। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा है ये जरूरी नहीं है कि जब सर पर चोट लग जाए आप मरने की कगार तक पहुंच जाओ तभी डॉक्टर के पास जाना है, जब बीमारी शुरू हो तब डॉक्टर के पास चला जाया करो, बच जाओगे फिर। ये अब नासूर बन गया है, कैंसर बन गया है, अगर आपको इस वक्त जाके होश आएगा तो वो फिर आपकी नाकामयाबी है। बस मुझे यही दिखाना था, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी ये प्रशासन की टोटल फेलियर है, और ये प्राइवेट लैंड वाला ये क्यों भुगते। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए।